भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी और आशा वर्कर कर्मियों की बैठक विश्राम गृह नूरपुर में हुई। बैठक में जिला की कई संघ महिला पदाधिकारी उपस्थित रही। इसमें हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में मौत का ग्रास बनी आशा वर्कर सबिता देवी को लेकर चर्चा की गई। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी और आशा वर्कर कर्मियों की बैठक विश्राम गृह नूरपुर में हुई। बैठक में जिला के कई संघ महिला पदाधिकारी उपस्थित रही। इसमें हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में मौत का ग्रास बनी आशा वर्कर सबिता देवी को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश उपाध्यक्ष मदन राणा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1500 रुपए मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी, जो कि उन्हें मिल भी गया है, जिसके लिए वो प्रधानमंत्री के आभारी हैं। मदन राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी इसी मन की बात में कहा था कि सभी आशा वर्कर का बीमा सरकार निशुल्क करेगी, ताकि मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक मदद मिल सके, लेकिन बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग ने सबिता का बीमा नहीं करवाया, जबकि सबिता का बीमा कराना विभाग का उत्तरदायित्व था। उन्होंने कहा कि इस सड़क दुर्घटना में जहां सबिता की मौत हो गई थी, वहीं उनके पति भी पूरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। ऐसे में अगर सबिता का बीमा हुआ होता तो परिवार को आर्थिक मदद मिल जाती। उन्होंने कहा कि जिन विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में लापरवाही बरती है, उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हर वर्ग की बात सुनते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री से भी मांग करना चाहते हैं कि जिस विभाग के लापरवाही के कारण जहां एक तरफ परिवार आर्थिक सहायता से वंचित रहा है, वहीं इससे सरकार की भी किरकिरी हुई है। ऐसे में सरकार इस मामले की गहन जांच करे और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करे। एक आशा कार्यकर्ता की पिछले दिनों सड़क दुर्घटना से मौत हो गई और उसके घर वाले की दोनों टांगे टूट गए और दोनों ही टांगों में राड डाली हुई और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। वहाँ पर अफसोस करने के लिए गए और उसके बाद हमने बैठक की और एक बड़े अफसोस की बात है, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 1500 रुपया बढ़ाने की घोषणा की थी, आशा कार्यकर्ताओं का इंस्टेट डबल करने की घोषणा की थी, वो मिल गया। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। पर कुछ यथाकथित अधिकारी प्रदेश के अंदर जो प्रदेश की सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा था आशा कार्यकर्ताओं का 4 लाख का बीमा मुफ्त में सरकार करेगी, उनका कोई पैसा नहीं लगेगा, और जब कोई ऐसी भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी अगर दुर्घटना हो जाती है तो सरकार एट ए टाइम उसको 4 लाख रुपया वहाँ पे देगी। अभी हाल ही में जो नूरपुर में हुआ और जो नूरपुर में जितने जो जहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी जो बैठे हैं उनकी नकलजेंसी के साथ वो उनका बीमा नहीं कर पाए और उनको वो पैसे नहीं मिले हैं। हम प्रदेश की सरकार से जब मांग करते हैं, माने मुख्यमंत्री कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री हैं, हर वर्ग की बात सुनने वाले मुख्यमंत्री हैं, हम माने मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि ऐसे यथाकथित अधिकारियों के ऊपर सरकार शिकंजा कसे। अगर बीमा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, किसकी मतलब जिम्मेवारी थी वो, मतलब सरकार इसकी उनकारी करे।